विश्वकर्मा और वानर रूप में? ये कैसे हो सकता है? यही सत्य है। ये क्या, ये तो नई नवेली वधु की तरह श्रृंगार किए हुए हैं। देश का कोई भी वानर यहाँ से जीवित नहीं जा सकता, सबको मरना ही होगा। केसरी की मूर्ति है, किंतु केसरी और इस यक्षिणी का क्या संबंध हो सकता है? महारानी जी, इन आभूषणों की क्या आवश्यकता थी? देवी ग्रीता जी, आज आपका विवाह हो रहा है और एक वधु संपूर्ण आभूषणों में ही अच्छी लगती है। आप लोग कौन है? आप सब? हम सब घृताची की सखियां हैं, देवलोक से आई हैं। इसने तो हमें बुलाया ही नहीं, किंतु हम अपने सखी को कैसे भूल सकती हैं? महारानी जी, ये सब मेरे परम सखियां हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये सब भी। अरे हाँ, क्यों नहीं। देवियों, आप सबका अंजन प्रदेश में स्वागत है। धन्यवाद महारानी जी, हमारे सखी का विवाह है, इस खुशी के अवसर पर हम लोग नृत्य भी करेंगी। Thank you.
श्वेता जी, जो भूल मुझसे पहले हो चुकी है उसे अब मैं दोहराना नहीं चाहता। मेरे क्रोध के कारण मुझे तुमसे दूर होना पड़ा। मैंने अपना सुख चैन, अपना परिवार, सब कुछ खो दिया था, किंतु अब मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। इसलिए घृताची, आज हमने एक निर्णय लिया है। आज से आपकी हर इच्छा में हमारी पूर्ण रूप से सहमति होगी। आप सब नाचें गाएं, खुशियां मनाएं। माता निकुंबला देवी, हम राक्षसों ने सदा आप ही को पूजा है। आप ही के भरोसे हे माता, मैंने अपना संपूर्ण जीवन राक्षस समुदाय की उन्नति को समर्पित कर दिया है। महाशक्तिशाली राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मैंने एक निर्बल और बूढ़े ब्राह्मण से विवाह कर ब्रह्म ज्ञान युक्त पुत्र को उत्पन्न किया। ये ब्राह्मण पुत्र रावण को समस्त राक्षसी संस्कार देकर मैंने उसे महाबलशाली राक्षस बनाया, ताकि वो अपने ज्ञान और शक्ति के बल पर तीनों लोकों का स्वामी हो। परंतु मेरा ध्येय आज भी सफल नहीं। मैं अपने पुत्र को अजय और अमर बनाना चाहती हूँ। मेरी सहायता कीजिए माँ, मेरी सहायता कीजिए। प्रणाम राजमाता। माता निकुंबला देवी की कृपा से शत्रुओं के नाश के लिए एक बहुत अच्छा मार्ग दिखाई दिया है। क्या क्या कह रहे हो तुम सुख? जय मां निकुंबला देवी। शीघ्र बताओ कि तुम्हें कौन सा मार्ग दिखाई दिया। राजमाता, जब मैं अंजन प्रदेश की ओर जा रहा था, तब मैंने एक घने वन में एक अद्भुत दृश्य देखा। मंजरिका अंजन प्रदेश के वानरों को अपना शत्रु मानती है। कोई संबंध है तो ये सूचना अंजन प्रदेश में आग लगा देगी। तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया सुख। मजरिका। अहा।
देखो मंडप को ठीक तरह से सजाना और सारी पूजा सामग्री यही मंडप में रखना, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ जाओ 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 जा। महाबली काका, कितना आनंद आ रहा है कि देवी गीताची और विश्वकर्मा देव का विवाह होने जा रहा है। आज से उनका नया जीवन आरंभ होगा। विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वर और वधू को मंडप में ले आइए। हाँ हाँ पंडित जी, अभी बुलाता हूँ अभी। आइए आइए देव, मंडप में पधारिए। अच्छा महाबली काका, मैं देवी गीताची को लेकर आता हूँ। आइए देव आइए। देवगणों, आप यहाँ? विश्वकर्मा जी, देवलोक में तो हमने अनेकों विवाह देखे हैं, परंतु आप देवलोक के होकर भी आज पृथ्वी पर विवाह रचा रहे हैं। इस अनोखे विवाह को देखने का मोह हमें यहाँ खींच लाया है। यदि महाराज केसरी की अनुमति हो तो हम भी इस विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं। हमारे सौभाग्य की बात है देवताओं, जो आप देवलोक वासियों के चरण यहां पड़े और हमारा महल पवित्र हो गया। आप सभी का स्वागत है। हे देवलोक से पधारे हुए समस्त देवताओं, अप्सराओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने आकर हमें अनुग्रहित किया। विश्वकर्मा देव, देवी गीताची, हम सब कामना करते हैं कि पृथ्वी लोक पर आपका जीवन मंगलमय हो और आपको अवसर प्रदान करने वाले मारुति, महाराज केसरी और जामवंत जी का भी अभिनंदन करते हैं। आप सबका कल्याण हो। केसरी जी, जामवंत जी और मारुति,
मैं और देवी घृताची आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज हमारे एक नए जीवन का आरंभ होने जा रहा है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। विश्वकर्मा जी, देवी घृता जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों का विवाह अंजन प्रदेश में हुआ और हम इस विवाह के साक्षी हैं। ये सब जो भी हुआ उसका सारा श्रेय जामवंत जी और मारुति को ही है। इन्होंने ही हमारे बिखरे हुए परिवार को फिर से मिलाया। हमारे जीवन में जो ये खुशियां लौट आई हैं, वो केवल मारुति के कारण ही। और हम सदा इनके आभारी रहेंगे। विश्वकर्मा जी, निवास के लिए भवन तैयार है, आइए। प्रभु, प्रभु, प्रभु। आपने जिस कार्य के लिए मुझे निर्देश दिया था वो संपन्न हो गया। हनुमान, हम जानते हैं कि ये कार्य आप ही कर सकते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु श्री राम, जिसके साथ आपका आशीर्वाद हो उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, ये सब आपके प्रताप से ही हो सकता है। हनुमान, हमारे सारे कार्य तो आप ही से पूरे होते हैं और भविष्य में भी होंगे। अब विश्वकर्मा जी और देवी गीताची के यहाँ नल नील का जन्म होगा और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बस प्रभु, अब तो एक ही अभिलाषा है कि आपके दर्शन हो जाए। हनुमान, उसके लिए तो बहुत समय शेष है। उसके पहले हमें सृष्टि चक्र से जुड़े अनेकों कार्य करने हैं। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। मैं तो सदैव आपके चरणों में सेवा के लिए उपस्थित हूँ। शुक, ये यक्षिणी हमारे काम आएगी। इसके द्वारा हम केसी का सर्वनाश करवा सकते हैं। सत्य है प्रभु, मैं भी आप पर रुष्ट हुई, कभी आप पर क्रोध किया। देवलोक में रहकर तो मैं कभी आपके दर्शन नहीं कर पाई। मंत्री जी, किष्किंधा में महाराज बाली के यहाँ आयोजन समाप्त होते ही हम शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। तब तक राज्य की सुरक्षा का भार आप पर होगा।